लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या प्रेगनेंसी में ब्लड क्लॉट बनने से गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत भी प्रभावित होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। ब्लड क्लॉट होने की परेशानी किसी के साथ भी हो सकती है। ये बात अलग है कि महिलाओं को इस समस्या के होने का रिस्क ज्यादा होता है, खासकर प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान और बच्चे के जन्म के 3 महीने बाद तक महिला में ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त के थक्के बनने का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को उन महिलाओं की तुलना में रक्त का थक्का जमने का आशंका 5 गुना अधिक होता है जो महिलाएं गर्भवती नहीं है। ये कंडीशन महिला के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। गर्भवती महिला को ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी रक्त के दौरान रक्त के थक्के जमने से उसके भ्रूण पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या ये महिला और गर्भ में पले शिशु दोनों के लिए घातक साबित हो सकता है? रक्त का थक्का क्या होता है पहले ये समझे। कई बार हमारी नसों में रक्त का थक्का जम जाता है, इसे ब्लड का एक जगह क्लॉट होना कहते हैं। यह एक मेडिकल कंडीशन है जो कि शरीर के निचले हिस्से जैसे पैर, जांग, पेल्विस में हो सकते हैं। अगर किसी वजह से इस कंडीशन का इलाज ना किया जाए तो ये शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है और ये फेफड़ों तक पहुंच सकता है। नतीजन पल्मोनरी एम्बोलिज्म नामक ब्लॉकेज पैदा हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म खून को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकता है जो कि घातक और जानलेवा साबित हो सकता है। ये कंडीशन गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्या ब्लड क्लॉटिंग का गर्भ में पले शिशु की हेल्थ पर प्रभावित कर सकता है? तो मैं आपको बता रहा हूं, प्रेगनेंसी में ब्लड क्लॉटिंग होना कोई गंभीर समस्या नहीं है। ये अपने आप एक समय बाद ठीक हो जाता है। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जब प्रेगनेंसी में महिला को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हुई है लेकिन उन्होंने हेल्दी बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि बहुत कम मामलों में ऐसा देखा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से गर्भवती महिला और गर्भ में पले शिशु की हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, यहां तक कि उनकी असमय मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। गर्भवती महिलाओं को रक्त का थक्का जमने का खतरा अधिक क्यों होता है? गर्भावस्था डिलीवरी और डिलीवरी के 3 महीने बाद के टाइम पीरियड में महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं जिससे ब्लड क्लॉटिंग की रिस्क बढ़ जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि गर्भावस्था के दौरान डिलीवरी और डिलीवरी के दौरान खून की हानि को कम करने के लिए एक महिला का ब्लड क्लॉट आसानी से हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के पैरों में ब्लड फ्लो कम हो सकता है क्योंकि पेट के निचले हिस्से में ब्लड वेसल्स पर काफी प्रभाव बनता है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद आराम करने की वजह से महिलाएं फिजिकली कम एक्टिव रहती हैं और यह भी ब्लड फ्लो को बाधित करने का बड़ा कारण है जिससे महिलाओं में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जय माता दी।